एक भ्रम फैलाया गया कि आयुर्वेद धीमा काम करता है। कैंसर के विषय में 3 महीने से लेके और 13 महीने के बीच में लगभग रोगी ठीक हो जाते हैं, आसानी से ठीक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एलोपैथी में 2-2, 3-3 साल तक कीमो, 30-40 लाख रुपए का खर्च और उसके बाद फिर आयुर्वेद में ही आना है। आज एक फेफड़े को कैंसर का रोगी है जिसने कैंसर को हराया है और आयुर्वेद को जिताया है, खुद को जिताया है। और इन्होंने कैसे ये कैंसर की लड़ाई जीती, कैसे इनका सफ़र प्रारंभ हुआ, क्या खाया क्या नहीं खाया, वो सारी बातें इनसे करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी का। यूपी के। आप क्या क्या भोजन में खाते थे, फल कौन से खाते थे? मौसमी फल जो भी मिलता है, मौसम के जो भी फल थे जी हाँ। और दालें कौन सी खाते हैं? मूंग की दाल छिलका वाला। केवल मूंग की दाल छिलका वाला, छिलका वाला। रोटी सिंघाड़ा और किस किस का खाते हैं? सिंघाड़ा, कुट्टू, ज्वार। ज्वार और मिलट्स। पत्ते कौन कौन से लिए आपने? पीपल का, सहजन का, सहजन का, क्या बोलते हैं, भूल गया। पत्तों का जूस भी लिया, हालांकि भूल गए हैं जी हाँ। लेकिन मैं बता दूं कैंसर के रोगी को सहजन, बाड़, पीपल, अर्जुन, कचनार, नीम, तुलसी, शीशम, गिलोय, पपीता, इन सब पत्तों का जूस भी लेना होता है। और हम जो भी बात करते हैं, क्योंकि YouTube के ऊपर खाली इम्प्रूवमेंट दिखा के कह देते हैं कि रोगी ठीक हो गया, 70% आराम, 80% आराम, 50% आराम, मैं केवल बात करता हूँ एलोपैथी की रिपोर्टों के आधार पर। और एलोपैथी की ब्लड सेल्स की एक रिपोर्ट होती है, गरीब रोगियों के लिए वो बहुत अच्छा है। ये रिपोर्ट है सिद्धि रिद्धि सोनोग्राफी लैब प्रतापगढ़ की करवाई हुई है और यहाँ पर रोगी का नाम है प्रमोद कुमार, एज है और ये रिपोर्ट आपके सामने है। और रिजल्ट है इनका 4.2 और होना चाहिए less than 5। ये सारा का सारा रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि थोड़ा पानी कम पीते हैं, आगे रोगी ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हूं। गाय की रक्षा करेंगे? करूंगा सर। जी वत्ता को रोकेंगे? रोकूंगा सर। मांसाहारी लोगों का मांस छुड़वाएंगे? छुड़वाऊंगा। जो कैंसर के ये कारण है इनसे लोगों को जागरूक करोगे? करूंगा सर, जागरूक करूंगा। ये जो कैंसर के कारण है इनके लिए रोजाना आपको आधा घंटा लगाना है कि इसकी वजह से कैंसर होता है और लोगों को समझाना है। समझाऊंगा सर। पक्का समझाएंगे? चलो, आज से आपको 1-2 चीज़ें और एडिशनल लेनी है, बाकी आप फ्री हो मेरी तरफ से। 6 माह आपको लगातार ठीक भले ही हो गए, लेकिन 6 माह लगातार यही परहेज के साथ औषधियाँ लेनी है, क्योंकि आपका रक्त का जो साइकिल है वो 182 दिन का चलेगा, साफ हो जाएगा। और 5 साल तक लगातार जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप खाते रहेंगे तो आप कैंसर की जंग को सदा के लिए समाप्त कर देंगे और एक योद्धा की तरह समाज में कार्य करेंगे। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित, अमर रहे।